हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने पावर ऑफ लेंस एंड कम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस को स्टडी किया था और इनके बेस पे हमने साइन कन्वेंशन को स्टडी किया था अबाउट कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज। कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों लेंसेज के लिए हमने साइन कन्वेंशन को स्टडी किया था। हमने शॉर्ट फॉर्म में देखा था कब कौन सी जो यूनिट है वो पॉजिटिव होगी, कब कौन सी जो डिस्टेंस और नेगेटिव होगी। समझ गए आप मेरी बात को? अब इन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का और कुछ का प्रयास करते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें इस पे बेस्ड, जो हमें बताया गया उस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसमें बोल रखा है 6 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है जो कि 30 सेंटीमीटर पे रख रखा है एक लेंस, ठीक है ना। 6 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है, एग्जाम्पल आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है ये, और एग्जाम्पल नंबर है 12, ठीक है। देखिए एग्जांपल नंबर 12 आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 12, तो इसमें भी बोला गया है 6 सेंटीमीटर हाइट का एक ऑब्जेक्ट है, तो हाइट ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर एच, और एच हमेशा प्लस में होती है चाहे कोई सा भी मिरर हो चाहे कोई सा भी लेंस हो, ठीक है। और ये जो 6 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है ये एक लेंस से 30 सेंटीमीटर पे सिचुएटेड है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज u which is 30 centimeters or which is negative, हमेशा negative होती है। Now we have to calculate if the height of the image is 2 centimeters and image is inverted, then we have to calculate the focal length of lens, ठीक है। Height of image h dash से represent करते हैं। If the height of image is 2 centimeters where the image is inverted, inverted image की जो height है negative हो जाएगी। Now we have to calculate the focal length of image, ठीक है, of lens। तो हमें focal length calculate करनी है। f की value आपको calculate करनी है। आपको जो दे रखा है वो देखिए, हमें दिया गया है u दे रखा है, h दे रखा है, h dash दे रखा है, और हमें f calculate करना है, ठीक है ना। पहले तो हमें मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला हम काम में ले रहे हैं यहाँ पे, और मैग्निफिकेशन वाला जो फॉर्मूला है ये हमें किसके टर्म्स में काम में लेना है, u और f के टर्म्स में काम में लेना है। तो बिकॉज देखिए 1/f इक्वल लेंस फॉर्मूला, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, इसको आप u से मल्टीप्लाई कीजिए, देन u अपॉन f इक्वल u अपॉन v माइनस 1, देन u अपॉन v इक्वल आ जाएगा u अपॉन f प्लस 1, तो यहाँ से u अपॉन v इक्वल आ जाएगा u प्लस f अपॉन f, then v upon u equal आ जाएगा f upon u plus f, ठीक है। v upon u equal f upon u plus f, because we know that m equals to v upon u, then f upon u plus f, और m की एक वैल्यू और होती है h dash upon h, तो h dash upon h equal f upon u plus f। अब देखिए हम लोग यहाँ से ये वैल्यूज हमें गिवन है, h डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस 2 अपॉन h की वैल्यू है हमारे पास में 6 इक्वल f की वैल्यू है हमारे पास में f हमें फाइंड आउट करना है अपॉन u, u की वैल्यू है हमारे पास में माइनस 30 प्लस f, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस में 1/3 इक्वल f अपॉन माइनस 30 प्लस f, देन क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 30 और माइनस में f इक्वल आ जाएगा 3f, देन 30 इक्वल आ जाएगा 4f, देन f इक्वल आ जाएगा 30 अपॉन 4 मींस 7.5 सेंटीमीटर्स हो गए इसकी फोकल लेंथ, प्लस में आ रही है फोकल लेंथ। अब देखिए पहली बात तो ये फोकल लेंथ प्लस में आ रही है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। सो अगर इफ द फोकल लेंथ इज पॉजिटिव फॉर अ लेंस, देन द लेंस शुड बी कॉन्वेक्स, ठीक है। कौन सा लेंस होगा ये? कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। अब इससे आगे वाले क्वेश्चन के बारे में हम देखें, देखिए हमें एक कॉन्वेक्स लेंस गिवन है और उस कॉन्वेक्स लेंस के दोनों सर्फेसिस की जो फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 एंड 30 सेंटीमीटर है। देखिए एक बात और देखना, आपने लेंस में जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें दोनों सरफेस की फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर काम में आ रही थी,
अब इस वाले सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कौन साइड में होगी? राइट साइड में होगी। इस सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो लेफ्ट साइड में होगी, ठीक है। इस सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो राइट में है वो प्लस में आएगी, और ये इधर वाली माइनस में आएगी। समझ आप मेरी बात को? मतलब जो दो सरफेसेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको गिवन है उसमें से पहली आप प्लस में ले सकते हो, दूसरी माइनस में, ठीक है ना। समझ आप मेरी बात को? इसमें हमें बोला है कि अ कॉन्वेक्स लेंस हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर्स 20 सेंटीमीटर्स एंड 30 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इसके फर्स्ट सरफेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये एग्जाम्पल नंबर 12 था आपकी बुक का, और ये एग्जाम्पल नंबर 13 है आपकी बुक का, ठीक है। एक कॉन्वेक्स लेंस के दोनों सरफेसेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स है, फर्स्ट सरफेस की आगन हो गई जो कि प्लस में हो गई 20 सेंटीमीटर, और सेकेंड वाले की लेफ्ट साइड में होगी तो माइनस में 30 सेंटीमीटर्स, ठीक है। आगे इसने बोला है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस इज 1.5। लेंस का जो मटेरियल है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.5। इफ लेंस इज प्लेस्ड इनटू वाटर, वाटर में रखा गया है, देन वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है। हमें लेंस का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 दे रखा है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, म्यू 2 हो गया ये, और 1.5 को आप 3/2 लिख सकते हैं, और लेंस को आपने जिस मीडियम में रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, और ये हमारे पास है वाटर जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1.33, इसे आप 4/3 लिख सकते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस यूजिंग लेंस मेकर्स फार्मूला, 1/f म्यू 2/μ1 -1 1/r1 -1/r2। तो यहाँ से म्यू 2/1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, म्यू 2/μ2 की वैल्यू होगी 3/2 इंटू 4, और अपॉन वाला 3 आ गया ऊपर, -1 इंटू 1/20, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में 1/30। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में 9/8 आएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 9 -8/8 इंटू एलसीएम आ गया यहाँ पे 60, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3+2। तो यहाँ से हमारे पास में देखिए क्या हो गया, 1/f आ जाएगा 1/8 इंटू ये हो गया 5/60, 5 से 60 को कैंसिल करेंगे तो 1/12, तो 1/12 बेटा कितना होता है 96, देन एफ इक्वल्स टू 96 सेंटीमीटर्स। और देखिए पॉजिटिव आ रही है फोकल लेंथ, हमें पता भी है कि फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव कौन से वाले सरफेस के लिए, कौन से लेंस के लिए होती है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और ये कॉन्वेक्स लेंस आपको गिवन भी था, हमें पॉजिटिव मिलनी चाहिए तो मिल भी रही, ठीक है। अब हमें अगला एग्जाम्पल देखना है। देखिए हमें बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, what is the distance, what should be the distance of an object from a convex lens if image is 2 times magnified and the focal length of lens is 10 centimeters, ठीक है। देखिए क्या दे रखा है आपको, मैं बोला गया क्वेश्चन में उसके बारे में देखें हम लोग। देखिए बोला गया क्वेश्चन आपकी बुक का एग्जांपल है ये 14th एग्जांपल, और देखें 14th एग्जांपल में क्या बोलता है, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस हमें कैलकुलेट करनी है u की वैल्यू जो कि नेगेटिव आनी चाहिए। इसके बाद में बोला गया है if image is 2 times magnified and the image is 2 times magnified and focal length of the lens is 10 centimeters, ठीक है, focal length of the lens is 10 centimeters, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो focal length जो है, image is 2 times magnified and the focal length of the lens is 2 centimeters, 10 centimeters, sorry, 10 centimeters, और इमेज इज 2 times मैग्नीफाइड तो वैल्यू ऑफ एम इज 2, लेकिन ये कॉन्वेक्स लेंस गिवन है आपको,
हमने बोला है कि एक ऑब्जेक्ट की कॉन्वेक्स लेंस से डिस्टेंस क्या हो सकती है कि उसकी जो इमेज है टू टाइम्स मैग्नीफाइड फॉर्म हो और फोकल लेंथ इस इमेज की इसकी हो 10 सेंटीमीटर। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ तो प्लस में होती है, हमने प्लस में लिख भी दी। अब इसने हमें बोला है टू टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, मतलब एनलार्ज इमेज क्रिएट होनी चाहिए, और एनलार्ज इमेज कॉन्वेक्स लेंस से दोनों टाइप की बनती है, एक तो इरेक्टोवर्चुअल भी होती है और इन्वर्टेड और रियल भी होती है। तो यहाँ पे ये तो बताया नहीं आपको कि ये जो इमेज है इसका नेचर कैसा है, केवल आपको ये बोला है टू टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज मींस एनलार्ज इमेज है। अभी एनलार्ज इमेज इन्वर्टेड भी हो सकती है और इरेक्ट भी हो सकती है, तो ये जो एम की वैल्यू है ये प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। इरेक्ट इमेज होगी तो प्लस में और इन्वर्टेड इमेज होगी तो माइनस में, ठीक है ना। तो हम लोग m इक्वल्स टू प्लस में 2 यूज करें, यूजिंग m इक्वल्स टू पॉजिटिव 2, ठीक है। और m की जो वैल्यू है u और f के टर्म्स में आपको देखनी है, ठीक है। m की वैल्यू u और f के टर्म्स में आपको देखनी है, सो बिकॉज m इक्वल्स टू होता है हमारे पास में f अपॉन u प्लस f, ठीक है। अब यहाँ से m की वैल्यू 2 इक्वल f की वैल्यू 10 अपॉन u प्लस f, f की वैल्यू कितनी होगी 10, तो 2u प्लस 20 इक्वल आ जाएगा 10, तो 2u इक्वल आ जाएगा 10 माइनस 20 यानी कि माइनस का 10, तो u की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में माइनस में 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और u हमेशा नेगेटिव होना भी चाहिए। अब अगेन यूजिंग u इक्वल्स टू माइनस 2 नहीं m इक्वल्स टू माइनस 2, तो फिर से हम यही फॉर्मूला यूज करें। देखिए हमारे पास में क्या होता है, m इक्वल f अपॉन u प्लस f, तो यहां से m की जो वैल्यू है हमारे पास में कितनी आ गई माइनस में 2, इक्वल f की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 10 अपॉन u प्लस 10, तो यहां से माइनस में 2 u माइनस में 20 इक्वल 10, तो यहाँ से माइनस में 2u इक्वल आ गया 30, देन u इक्वल आ जाएगा माइनस में 30 अपॉन 2 मींस माइनस 15 सेंटीमीटर, और u हमेशा नेगेटिव होना भी चाहिए, हमें मिल भी रहा है दोनों कंडीशंस में नेगेटिव। समझ गए आप मेरी बात को। अब इससे आगे एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 15 और देख रहे हैं, आपकी बुक का ही एग्जांपल है ये भी। देखिए देखिए 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है और 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का तो एक कॉन्वेक्स लेंस है और 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का एक कॉन्केव लेंस है, इन दोनों को आपने कंबाइन किया है, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। अब कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है जो कि प्लस में होती है, f1 ले लिया आपने, एंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज 10 सेंटीमीटर और ये माइनस में होती है, इनको भी आपने कंबाइन कर रखा है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ होती है 1 अपॉन f इक्वल 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 देन 1 अपॉन 5 और 1 अपॉन और माइनस में 10, तो 1 upon f equal 10 LCM आ गया, तो 2 minus 1 means 1 upon 10, then f equals to 10 centimeters. So because the focal length of this combination, is positive, इस combination की जो focal length हो कैसी आई है, positive आई है, इसका मतलब ये जो combination है ये किसके response lens के जैसे behave करेगा, behaves like a convex lens, ठीक है ना। Because the focal length of this combination is positive, that's why we can say that this combination behaves like a convex lens. ठीक है? अब देखें देखिए आगे। अब आगे वाला टॉपिक देखते हैं हम लोग, और इससे आगे का टॉपिक है हमारा प्रिज्म। अब आगे वाले टॉपिक के बारे में हम देखें, ये है हमारा प्रिज्म। इसको चलो प्रिज्म को देखने से पहले एक दो क्वेश्चन और देखने की कोशिश करें अपन, एक दो और अच्छे अगर कोई न्यूमेरिकल्स मिल जाए हमें तो उनको और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर हम आगे वाला टॉपिक देख लेंगे।
देखो मैं बोल रखा है 3 सेंटीमीटर हाइट की एक मोमबत्ती है, ठीक है, कैंडल, कैंडल ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर। इस कैंडल को आपने 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले किसी लेंस से आपने एक डिस्टेंस पर रख दिया और उसका आपको एक इमेज मिल रही है उसकी 6 सेंटीमीटर हाइट की, ठीक है। तो थ्री सेंटीमीटर हाइट, एग्जाम्पल नंबर देखिए, एग्जाम्पल नंबर हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहले आप 17th एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 17 देखिए, हमें बोला गया है एक कॉन्वेक्स लेंस है और उस कॉन्वेक्स लेंस के दोनों सर्फेसेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स है वो 20 और 30 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आर 20 और 30 सेंटीमीटर। फर्स्ट सरफेस के लिए R1 हो गया, जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव, और सेकंड वाले की R2 हो गई नेगेटिव में 30 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे हमें बोला गया है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज 1.5, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज 1.5। लेंस, नाउ वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, हमें इस लेंस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो बिकॉज नाउ वी हैव टू यूज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला, 1/F=μ-1 × 1/R1 − 1/R2, देन 1.5 − 1 × 1/20 − 1 और प्लस में हो गया 30, देन 0.5 × LCM = 60। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2 = 5/60, मीन्स 5/60 मीन्स हो जाएगा हमारे पास में 1/12, 0.5 × 1/12, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/24, देन वैल्यू ऑफ एफ इज 24 सेंटीमीटर्स। कॉन्वेक्स लेंस बोल रखा था, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और ये पॉजिटिव आ भी रही, ठीक है ना। देखो ये ध्यान रखना है आपको हर क्वेश्चन के अंतर्गत कि दी गई चीजें जो जैसा आपने पढ़ रखा है क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा वो उसी रेशियो में आना चाहिए। अगर वैसा नहीं आ रहा है, किसी कॉन्वेक्स लेंस के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो और उसकी फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब आपने क्वेश्चन को गलत तरीके से सॉल्व किया, ठीक है। अब इससे अगले टॉपिक का की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।